దర్శ్యమానగరి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 శ్యమాన
ేవాద్వయం తస్మై శ్రీ పరివీతీతవసనం మనోపమం శతపత్రపత్రసదృశాయతే క్షణం ధృతవేణురేణు పరిమండితం గవాం హృది నోస్తు ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. దేకు హై తో అపన్ మయ్యా బి ప్యారీ జో మయ్యా కా కన్హయ్యా సే ప్రేమ హై ఔర్ కన్హయ్యా కా మయ్యా సే ప్రేమ హై తో ఉస్మే కోయి శంకా నహీ హై. ప్రీతి తో ఠీక్ హై లేకిన్ హాత్ మే జో ద్రవ్య హై లకియా అబ్ హాత్ తో భరా హువా హై ఉస్సే భగవాన్ కైసే పకడే జాయే ఔర్ మన్ మే క్రోధ్ భరా హువా तो मन में क्रोध भरा हुआ है तो भगवान कैसे भरे जाए. उधो मन न भय पृथ्वी, वो पृथ्वी का मन है उसमें चाहे ठाकुर जी को भर लो चाहे दुनिया को भर लो. तो हाथ में लठिया और मन में गुस्सा और तमोगुण आया हुआ चढ़ा हुआ और मैया चाहती है भगवान को पकड़ लेना, तो ये कैसे हो सकता है. तो साधना के विपरीत सारी स्थिति उस समय थी, इसलिए भगवान मैया की ओर भीग करके भागे. बात आ गई. अब वर्णन है भागवत में कि पीछे पीछे मैया दौड़ी. अन्वंचमाना जननी बृहच्चल श्रोणी भराक्रांत गति सुमध्यमा जवे न विश्रंसित केश बंधन च्युत प्रसूना नुगति परामृषत. राधे श्याम आगे आगे लाला दौड़ रहा, पीछे पीछे मैया दौड़ रही. बृहत चलत श्रोणी भरा क्रांत गति, बड़े बड़े और हिलते हुए जो उसके नितंब है और पतली कमर है. कमर तो है पतली और नितंब है बड़े, तो इन दोनों के कारण गति जो है वो आक्रांत हो गई. पतली कमर होने से भी तेज न दौड़ सके और बड़े निकम्ब होने से भी तेज न दौड़ सके. तो इन दोनों ने उसकी गति पर आक्रमण कर दिया. अब देखो है तो मैया और पीछे चलती है कन्हैया के, परंतु हाथ में लठिया मन में गुस्सा तमोगुण से भरी हुई, तो उसकी कमर और उसके निकम्ब उसके दुश्मन हो गए. अपने शरीर के अंग ही शत्रु हो गए उसको कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ने नहीं देते हैं. असल में भगवान जिसके अनुकूल होते हैं सब उसके अनुकूल होते हैं, और भगवान जिसकी ओर से अपनी आँख फेर लेते हैं सारी दुनिया उसकी ओर आँख फेर लेती है. असल में भगवान की आँख ही आँख है, दुनिया की आँख कुछ नहीं है, बिल्कुल अंधी है. अब बृहत चलत श्रोणी भरा क्रांत गति सुमध्यमा. अब एक दूसरी बात बताते हैं. जवेन विश्रंसित केश बंधन च्युत, जवेन विश्रंसित केश बंधन च्युत प्रसूनानुगति परामृषत. जब वेग से दौड़ी जोर लगा के, क्योंकि नन्ना मुन्ना ये बच्चा, ये बड़े बूढ़े लोग जो है ना, हो यदि चाहे कि दौड़ के हम बच्चे को पकड़ लें, तो हल्का फुल्का बच्चा जब भागने लगता है तो बड़े बूढ़े दौड़ के क्या पकड़ेंगे उसको. यदि बच्चा अपनी मैया का दूध पीने के लिए लौट के स्वयं नहीं आता है और मैया को दौड़ दौड़ के पकड़ना पड़ता है, तो कहाँ तक दौड़ दौड़ के पकड़ेगी. जवेन विश्रंसित केश बंधन, जो बाल बांधे हुए थे अपने सिर पर वो बिखर गए. माने वे ही आजकल तो देखो एक ऐसा फैशन चला है, बाल जो है वो ललाट को तो थके तो थके, थोड़ी आँख पर भी आ जाने चाहिए. ये बड़ी भारी सुंदरता लावण्य की साधना. जब तक आँख आदमी की थक न जाए, अंधा न हो जाए, तब तक सुंदरता ही नहीं. कितना ऊंचा ललाट है भाग्य का सूचक, इस पर बिंदी लगती है
तो हाथ की सूचक और उसको ढक के काले बाल से उसको ढक दिया, माने अपने में कोई सुंदरता नहीं है, काले बालों में ही सुंदरता है। तो बाल मैया से बिखर गए, बोले कि मैया जब तक तू प्रेम से कन्हैया को पकड़ने के लिए चलती थी तब तक हम बगे रह करके तुम्हारी मदद करते थे, अब जाओ हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। फूल थे दबे हुए चोटियों में, तो महाराज फूल जो है वो गिरने लग गए। तुतक प्रसूनानुगति है, बोले कि देख मैया जब तू खड़ी थी और कृष्ण के लिए दही मत रही थी तब हम तेरे पाँव में गिरते थे, अब तू आगे आगे भागी जा रही है और हम तेरे पीछे पीछे गिरते जा रहे हैं, हम ऐसे सिर पर नहीं रहेंगे जो हमारे भगवान पर गुस्सा करता है। ये जितना संग, जितना साथ, जितनी सहानुभूति है वो सब भगवान की अनुकूलता की ही है। अब इस पर एक उक्ति ये देते हैं, जो तब प्रसूनानुगते, गिरते हुए फूल मैया के पीछे 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 पीछे। ये एक बात है कि संस्कृत भाषा में सूना माने होता है हिंसा, पंच सूना गृहस्थस्य, ये जो गृहस्थ है ना उनके घर में पांच हिंसा रोज होती है, कूटने में हिंसा, पीसने में हिंसा, पानी रखने में हिंसा, रसोई पकाने में हिंसा, झाड़ू लगाने में हिंसा, पंच हिंसा गृहस्थस्य। ऐसा कोई गृहस्थ नहीं होता है जिसके घर में पांच प्रकार की हिंसा न होती हो। तो इसीलिए कहते हैं कि जब रोटी पकावे तो उसमें से अतिथि के लिए, गाय के लिए, पक्षी के लिए निकाल दें तो वो हिंसा का जो पाप होता है ना, अग्नि में हवन कर दें तो वो जो हिंसा का पाप होता है वो कम हो जाता है। और जो लोग महाराज हिंसा कर कर के तो पकाते हैं, कूटने में हिंसा, पीसने में हिंसा, पकाने में हिंसा, रोटी बनाने में हिंसा, झाड़ू लगाने में हिंसा, तो हिंसा कर कर के तो बनाते हैं, लेकिन जिनका अंश है उनको देते नहीं है तो उनको पाप लगता है। ये बात शास्त्र में आई है, तो उसको बोलते हैं पंच सूना गृहस्थस्य, सूना माने हिंसा। अब बोले कि मैया जो है वो कृष्ण की ओर दौड़ रही है और प्रसून जो है प्रसूनानुगते, फूल उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, तो यहाँ सूना का अर्थ कर दिया इन्होंने हिंसा। बोले हिंसा जो है वो चुत हो गई, गिर गई, माने मैया के जीवन में हिंसा नहीं गई। वो जो गुस्सा था ना दूसरों के ऊपर, प्रेम करना बुरा नहीं है वो, परंतु एक से प्रेम करके दूसरे के प्रति गुस्सा करना ये बुरा है, क्योंकि वो हृदय जो है ना वो राग से जो रसीला बनता ना उसकी जगह पर द्वेष से कड़वा हो जाता है। द्वेष आग है, राग रंग है, राग से हृदय रंगीन होता है और द्वेष से हृदय जलता है। तो जब मनुष्य हिंसा छोड़ करके भगवान की ओर चलता है तब वो भगवान को प्राप्त करता है। चुतक प्रसूनानुगति का क्या अर्थ हुआ कि मैया के मन में जो गुस्सा था, जो लठिया था हाथ में, लठिया थी हाथ में मैया के, तो हिंसा का जो भाव था वो गिर पड़ा, वो नहीं रहा। जब गिर पड़ा तब भगवान खड़े हो गए, तो स्वरूप वैष्णव भवेत चुतक प्रसूनानुगति जो भवे तस्य वैष्णवम स्वरूपम अभिमृश्यम स्यात् इति तादृगस्पृशत। जब हिंसा छूट के गिर गई तो उसने भगवान को छू लिया, हो स्पर्श कर लिया, पकड़ लिया, बिना हिंसा छूटे कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। आप धन पाने के लिए हिंसा करते हैं तो करिए, भोग पाने के लिए हिंसा करते हैं तो करिए, परंतु भगवान को पाने के लिए अगर आप हिंसा करते हैं तो वो नहीं चलने के। और सब मिल सकता है, हिंसा से राज्य भले मिल सकता हो परंतु हिंसा से भगवान नहीं मिल सकते। तो जब यशोदा मैया के चोटी में लगी हुई सूना, सिर पर चढ़ी हुई हिंसा जब उतर गई तब उसने भगवान का स्पर्श कर लिया। अब आगे वर्णन करते हैं, ब्रज में लीला दिखाते हैं, तो ये दिखाते हैं मधु मंगल आ करके बीच में खड़ा हो गया, तो मैया ऐसे नहीं पकड़ा जाएगा, सौगंध दिलाओ। और क्या सौगंध दिलाओ, भोली भाली, बोले सतयुग के भक्त का सौगंध दिलाओ, तो बोले नहीं रुका, नहीं पकड़ा गया। त्रेता युग के भक्तों का सौगंध दिलाओ, नहीं पकड़ा गया। द्वापर के भक्तों का सौगंध दिलाओ, नहीं पकड़ा गया।
मैया ने कलयुग के भक्तों की सौगंध दिला है, सबसे कमजोर यही पक्ष जो है। भगवान सत्ययुगी त्रेतायुगी द्वापर युगी पक्ष का नहीं लेते हैं कि कलयुगी भक्त के पास न ज्ञान है, न ध्यान है, न उपासना है, न यज्ञ है। यदि उसकी सौगंध भी भगवान नहीं मानेंगे, कोई बहाना चाहिए ना भगवान को। नहीं तो और भक्त मिलेंगे महाराज, कलयुग के भक्तों को भगवान मिल जाए तो दूसरे युग के भक्त आके पूछेंगे कि हमने तो इतना साधन भजन किया तो हमको मिले नहीं, और इसको यूं ही क्यों मिल गए। बोले तो क्या करें भाई, मैया ने सौगंध दिला दिया, कुछ बहाना तो चाहिए ना। भगवान के मन में ये रहती है कि हम अपने सब भक्तों की रक्षा करें, लेकिन उनको कोई न कोई मिस किसी न किसी बहाने की खोज रहती है। वो कहते हैं कि क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा, लोग कहेंगे सबका उद्धार क्यों नहीं किया, इसी का क्यों किया, तो बताना पड़ेगा ना कि ये अनन्य है, इसको मेरे सिवाय और कोई ज्ञान का, ध्यान का, उपासना का, यज्ञ का, अपने बल का, पौरुष का कोई सहारा नहीं है। बताना तो पड़ेगा ना भगवान को, भगवान को भी जवाब देना पड़ता है। नहीं तो वैषम्य निर्भीण नाम का दोष होता है, क्यों किसी का पक्षपात किया, क्यों किसी के साथ निर्दयता बरती। तो जब लोकसभा में प्रश्न उठाया जाएगा तब ये महाराज, ये विश्वपति क्या उत्तर देंगे, इनको उत्तर देना पड़ता है। कोई तो कोई बहाना चाहिए, झूठ मूठ बहाना पक्षपात करने का चाहिए। तो यदि कोई गलती से भी भगवान का नाम ले ले, हाथ जोड़ दे, दंडवत कर दे, तो इतने से ही भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान जो है वो कलयुग के भक्तों को कमजोर देखते। एक बेटा पहलवान है, बोले जाने दो घूमने दो। एक बेटा विद्वान है, अरे तो जहाँ जाएगा वहीं पूजेगा। एक बेटा व्यापारी है, अरे जहाँ जाएगा वहीं ये तो दूर में से पैसा निकाल लेगा। एक बड़ा कर्तव्य परायण है, तो बोले जहाँ जाएगा वहीं काम करके खुश कर लेगा। कई का है कि जिसके पास न विद्या है, न बल है, न व्यापार है, न कर्म है। तो माँ ने कहा भाई इसको हम अपनी गोद में रखेंगे, कोई न कोई बहाना तो चाहिए न। जिसके कोई नहीं है उसका भगवान, जिसको अपना बल है, पौरुष है, अहम है, विद्या है, बुद्धि है, बल है, वो तो जहाँ जाएगा वहाँ अपना करता रहेगा। तो भगवान खड़े हो गए, मैया ने पकड़ लिया। पकड़ लिया तो अभी भगवान की एक झांकी का वर्णन करते हैं। एक बात और है कि ऐसे भगवान का वर्णन वेद में, उपनिषद में, वेदांत दर्शन में और कहीं नहीं है। ये भक्तों के बड़े प्यारे भगवान है और भक्तों के वश में है, भक्तों के अधीन है। तो कैसे भगवान, जरा झांकी देखो, किसी मंदिर में ये दर्शन आपको नहीं मिलेगा। हम पहले पहल मद्रास गए, सन 38 में गए पहले पहल, तो अब 35-35 वर्ष हो गए। तो वहाँ एक पार्थ सारथी का मंदिर है। अब वो महाराज पार्थ सारथी के मंदिर में कृष्ण भगवान के बड़ी बड़ी मूछ, और बड़ी बड़ी मूछ महाराज। अब वैसा मंदिर तो हमने कहीं उत्तर भारत में देखा ही नहीं था, मूछ वाले कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान तो बड़े चिकने चुपड़े रहते थे ना, वो कोई मूछ थोड़ी रखते थे। ये देवताओं के बारे में ऐसा वर्णन आता है कि वो हमेशा 15-16 बरस जैसे देखने में लगते हैं। होते हैं जवान, होते हैं अधेड़, लेकिन देखने में 15-16 बरस की ही उनकी उम्र होती है। तो देवत्व को सूचित करने के लिए विष्णु के, शिव के, राम के, कृष्ण के मूछ नहीं बनाई जाती। तो अब आपको हम जो दर्शन भगवान का करा रहे हैं, हम ये भगवान का दर्शन करा रहे हैं आपको। ये आप घर में जाके ऐसा करना मत, ये चरित्र का शिक्षण नहीं है कि आप घर में जाके ऐसा करें। ये आदर्श नहीं है, अनुकरण करने के लिए नहीं है। ये तो आपका ध्यान दुनिया को छोड़कर भगवान में लग जाए, इसके लिए है। कृता गतम तम प्रवदन तमक्षिणी दशम तमंजन मसिनी स्वपाणिना उद्वी क्षमाणम भय बिर्वले क्षणम हस्ते गृहीत्वा विषयंत्यवागुरतो कृतागतम। अपराधी के रूप में भगवान खड़े। कभी अकाश के जमाने का मटका, जिसने शेरों घी दूध पी लिया था उसको छोड़ दिया है, और ऐसी अजगरी करी है लेके सिल बच्चा, दही का भंडा भाट, दूध का भाड़, मक्खन का भाड़, सब फोड़ फाड़ के क्षीर सागर के रसिया
घर में आंगन में क्षीर सागर बना दिया, घर में क्षीर सागर बना दिया, सब का सब सफेद सफेद सफेद। तो कृपा दशम, अच्छा आप देख लेना, कहीं अपराध लगता है जीव को, अपराध छूटता है जीव का, ईश्वर को न अपराध लगता है न छूटता है, लेकिन महाराज अपराधी बन के मैया के सामने खड़े, कृपा दशंतम वो लगता हुआ, प्ररुदन तमक्षिणी कसम तमंजन मसिणी कृपाणिना, जोर जोर से रो रहे। भैया ये थोड़ी कहते हैं कि हाँ मैंने किया तो किया, क्या करोगे, हम तीन लोग के मालिक हैं। नहीं, मैया के सामने भगवान को भी रोना पड़ता है, जब मैया बनाई कि मेरी मैया है, जब बेटा बने कि मैं बेटा हूँ, मैया ने कहा कि तूने अपराध किया, तो ये थोड़ी कहा मैं तीन लोग का मालिक, मैं अपराध नहीं करता, मुझे अपराध नहीं लगता। बोले जट रोने लगे, मुंह लटक गया। तो देखो ये अपराधी की एक झांकी है, और फफक फफक के रोते हुए भगवान की प्ररुदंतम प्रकर्षण अरुदंतम, फफक फफक करके रोते हुए भगवान की दूसरी झांकी। और तीसरी जो अक्षिणी कसंतम अंजन मशिणी अक्षिणी कसंतम स्वपाणिना, बाएं हाथ से बल रहे हाथ को, और अंजन जो है हाथ में भी लग गया और कपोल पर भी लग गया, वैसे ही कोई मुंह तो कोई बहुत उज्जवल तो था नहीं, गोरा गोरा तो था नहीं, काला तो पहले ही था, तो बड़ा जो अंजन जो है काजल जो है वो तो और लग गया मुंह में, अपने हाथ से अपनी आंख को मल रहे। उद्वी क्षमाणम भय बले क्षणम, देखते हैं कि कोई मददगार है कि नहीं, सोच रहे हैं, और भय से आंखें बेबल हो रही है। देखो ये मैया का प्रभाव है, मैया को जब मैया कह दिया तो एक भाव होता है, हो सुना होगा आपने तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, और नहीं सुना होगा तो आप इसको आश्चर्य मानेंगे। ये जो जमुना लाल बजाज थे ना बरधा के, वो गांधी जी के पांचवें पुत्र, तो वो अपने को गांधी जी का पांचवा बेटा मानते थे। एक दिन वो आनंदमय माँ के पास आए और बोले कि माँ, तुमको सब लोग माँ कहते हैं, हम तुम्हारी गोद में सोना चाहते हैं। तो माँ ने कहा कि जब तुमने मुझे माँ कह दिया तो तुम मेरे गोद में सोने के हकदार हो गए, और अपनी गोद में बुला लिया जमुना लाल बजाज को। और ये बात उनकी पत्नी ने, जानकी देवी बजाज ने, जब जमुना लाल जी के संस्मरण लिखे तो उसमें लिखे हैं और वो छपा हुआ है ना। देखो ये है माँ बेटे का संबंध, जबान से माँ बेटा कहने का ये अर्थ होता है। देखो डाकू किसी स्त्री ने कहा तुम्हारी मैं बहन, कैसा मैं तुम्हारा भाई, ये है संबंध का अर्थ, ये होता। भगवान ने जसोदा मैया को कह दिया मैया, और मैया ने कह दिया बेटा, ये इसका नाम संबंध है। अब उद्वी क्षमाणम वय विद्दले क्षणम, भगवान मैया को अपना बड़प्पन दिखावेंगे, अपना बड़प्पन दिखावे भगवान। अब तो मैया ने देखा कि बाएं हाथ में तो काजल वाजल लग गया बहुत ज्यादा, तो दाहिना हाथ पकड़ा हो, अपने बाएं हाथ से दाहिना हाथ पकड़ा, और विषयंती अवागुरत, डरा डरा के गुर्राने लगी हो, अवागुरत का अर्थ गुर्राने लगी। मैया है तो यही तो कृष्ण की परीक्षा है असल में। अगर वो मैया के डांटने पर कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, बांधने पर कहते हैं कि मैं मुक्त हूँ, और दूध पिलाने के लिए बुलाने पर कहते हैं कि मैं तृप्त हूँ, मैं नित्य तृप्त हूँ, मुझे दूध पीने की क्या जरूरत है, तब ईश्वर ही रहते तो भला था, बेटा बनने की क्या जरूरत थी। अरे बेटा बने तो प्यासे बनो, बेटा बने तो डरो, बेटा बने तो रो, क्या है विषयंत्यवा गुरत। अब देखो इसका भाव बताते हैं, ये तो भागवत में जो लिखी हुई बात है वो मैंने सुनाई, कृपा गसम तम प्ररुदन तमक्षिणी कसम तमंजन मशिणी स्वपाणिना उद्वी क्षमाणम भय विह्वले क्षणम हस्ते गृहीत्वा विषयंत्यवा गुरत। भाव क्या है, तो असल में भगवान का ही सारा रूप है। अगर आपको कभी कोई अपराधी दिख जाए तो ये मत सोचना कि इसमें हम भगवान कैसे देखें, अरे वो भी भगवान का ही एक रूप है। यदि आपको कभी रोता हुआ कभी आदमी मिल जाए तो ये मत समझना कि ये कोई दुष्ट है, यही समझना ये भी भगवान का ही एक रूप है, सर्वरूप भगवान है,
उपनिषदों ने उनके निर्मल उज्जवल रूप का वर्णन किया, लेकिन इस सर्वात्म भाव का वर्णन तो भक्ति सिद्धांत ने किया। अरे अरे मानव बंधो, चंचल प्रकृति है, तेरी प्रकृति बड़ी चंचल है, तू वानरों से भाईचारा करके बैठा हुआ है, तुझे कोई मनुष्य नहीं मिलता है संगति करने के लिए, बंदर मिलते हैं, इनको मक्खन पिलाता है, उम्र का है कामम गदतम सितिस्तम। अरे वानर बंधो, मंथनी स्फोटक चंचल प्रकृति, क्यों ये गदिया साहब के जमाने का मटका तूने फोड़ा? बोले माँ करे हो मत नहीं हो करे भैया, गलती हुई तो हुई, अब फिर मैं गलती नहीं करूंगा। बोले भैया फिर कभी गलती नहीं करूंगा। अच्छा नहीं करोगे ना तो नहीं करेंगे। अच्छा तब ये छड़ी जो तेरे हाथ में है ना, ये फेंक दे, इसको देख के हमारा दिल जो है बहुत डरता है, बहुत डरता है, ये छड़ी हमको मत दिखा। अब ये बताते हैं, आलम विजस्ति मनया बलया संप्रत्यंगीकृता सबलते विचिन्त्य कृष्णः स्वस्मिन्नपि प्रबलता मृदि तच्छलेन व्यक्ति चकार रुजितं हि बलं शिशूनां। भगवान ने विचार किया कि देखो मैया है अबला, जिसके साथ बलराम नहीं है, एक बार अबला माने जिसके साथ बलराम नहीं तो अबला, जिसमें कोई बल नहीं तो अबला, तो ये हाथ में छड़ी लेकर के इस समय सबल बन गई है। तो बोले कि अच्छा ये सबल बनी है छड़ी लेके, तो हमको भी सबल बनना है। तो बल भी हो अपने अपने स्वरूप के अनुरूप होता है। मित्र को बंदूक की गोली से मारना दंड नहीं है, मित्र के घर जाकर खाना बंद कर देना यही उसका दंड है। और पत्नी के लिए दंड ये नहीं है कि उसको मारे हैं, पत्नी के लिए दंड यही है कि कह दो कि अलग पलंग बिछा के सो जाओ, दूसरे रूम मत आना, बस ये दंड। तो बच्चा जो है वो सबल कैसे होता है, पत्नी सबल कैसे होती है? रुदितम हिबलम शिशूनाम, बच्चे रोने लगते हैं ना, रोने का उनके पास बल है, हाथ पीटेंगे, पाँव पीटेंगे, रोएंगे, धूल में लोटेंगे, ये बच्चे का बल है। तो मैया का बल क्या है? क्या मैया का बल है हाथ में छड़ी, और बेटे का क्या बल है? क्या रोना। तो कृष्ण ने कहा कि देखो हम भी तुम्हारे सामने अपना बल दिखाते हैं, तुम अपना बल दिखाती हो तो हम अपना बल दिखाते हैं। मदन मोबाया धीमयोर हिमा हिमोश्रयो कलंकम ममताक्षिरूपयो कथम सहे नन्वितिरोदन छलात् तदंजनम क्षालयति स्म पाणिना। बोले भाई देखो, अपने बड़े बूढ़े पर कोई कलंक लगता हो तो उसका मार्जन करना चाहिए कि नहीं? वैसे पड़ोसी के घर में कोई गड़बड़ी हो जाए ना तो लोग अखबार में छपवाते हैं, और अपनी पत्नी को हो जाए तो उसको मारपीट के ठीक करते हैं, और अपनी माँ की हो जाए तो बोलते हैं चुपचाप चुप 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 चुप, किसी को पता ना लगने पावे। जितनी ममता होती है ना, असल में ममता जो है वो आदमी के दोष को छा देती, ममता का स्वरूप ये है। तो भगवान ने सोचा कि देखो हमारे राम वंश के आदि हैं सूर्य, और हमारे इधर हैं चंद्रवंश चंद्रमा, और हमारी एक आंख में चंद्रमा रहते हैं और एक आंख में सूर्य रहते हैं। मदन ववाया दिमयोर हिमा हिमोश्रयो हो, हमारे अन्वाय वंश के जो आदिम हैं हिम किरण और अहिम किरण, सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों को इस समय कलंक लग गया, हमारी आंखों को रोना पड़ गया, इसमें काजल लग गया, कालिक लग गया, तो ये तो सहन करने योग्य नहीं है। तो रोने के बहाने पानी से उसको धोते हैं और हाथ से उसको पोंछते हैं, तो नहीं नहीं हमारी आंखों में ये कलंक का भाव नहीं रहना चाहिए। बोले नहीं भाई ये बात नहीं है, बात एक दूसरी है। जब कोई गलती हो जाए तब राजनीति के जो पंडित होते हैं कानून के, वो अपने पक्ष में गवाह तैयार कर रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कि मैंने मटका फोड़ दिया, दूध सही बिगाड़ दिया, मक्खन उतार के बंदरों को बांट दिया, अभी आंख जो है इसमें बैठे हैं सूर्य और चंद्रमा, ये गवाही देंगे। असल में आदमी की जो आंख है ना वो बता देती है, वो आंख ही बता देती है कि मूड में क्या है, आपको मालूम है ना, देखते ही हो। आंख जो है ये झरोखा है, किसका? दिल का, दिमाग का, इसी में से दिल दिमाग झांकता है और पकड़ा जाता है कि इसके मन में क्या है। तो
तो भगवान ने कहा कि ये दोनों गवाह हमारे पक्ष में रहने चाहिए। तो उनके ऊपर जैसे गवाहों पर दबाव डाल के अपने पक्ष में करते हैं ना, वैसे बाएं हाथ से मल मल के हो। और उन्होंने कहा देखो अभी हम ज्यादा दबाव नहीं डालते हैं, थोड़ा दबाव डालते हैं। लेकिन जब मैया पूछे कि तूने मटका फोड़ा कि नहीं फोड़ा, दही मक्खन खाया कि नहीं खाया, बंदरों को खिलाया कि नहीं खिलाया, तो तुम लोग गवाह हो, तुम कह देना या कह देना कि एक केशाम अभी कर्मणाम करता न इति। अरे ये तो अकर्ता है, ये तो किसी कर्म का करते ही नहीं है, कह देना कर्मणाम नैव केशाम अभीश करते साक्षिणौ ब्रूतम इत्यच्युतो नेत्र स्थितार्केन्दु व्यबोधयत। नेत्र में जो स्थित है चंद्रमा और सूर्य, उनको सजग किया, सावधान किया। सावधान किया कि क्या है कि देखो जब दवाई देनी पड़े तो तुम लोग ये कहना कि ये जो कृष्ण है ये किसी कर्म का करता नहीं है, अकर्ता है, ये कह देना तुम लोग गवाह को। पहले से जैसे वकील लोग सिखाते पढ़ाते हैं ना कि ऐसा पूछा जाना तो ये कहना, ऐसा पूछा जाए तो ये कहना। अब वो सिखाई गवाही जो है वो समय पर काम नहीं देती है, वो बात दूसरी है। नाना साधन शालिनोपी पुरुषस्य उजस्विनः स्वात्मनो मालिन्या प्रहृता भवस्यमपरापेक्षेति युक्तं यथा भास्वच्चन्द्रमसो सहस्रतरयोरप्यत्र नेत्रात्मनोः आसीदञ्जनमार्जनं न भगवद्हस्तावलम्बं विना। ये कहते हैं कि देखो असल में आदमी से इतनी गलती होती रहती है, इतनी गलती ब्रह्मा से गलती हुई। हमको मालूम है, हम इतिहास पुराण के रीति से ब्रह्मा जी का झूठ बोलना बता सकते हैं, ब्रह्मा जी की काम वासना बता सकते हैं, ब्रह्मा जी का क्रोध बता सकते हैं। तो ब्रह्मा जी से भी गलती होती है, शंकर जी से भी गलती होती है। अरे और तो क्या कहो, तो आप लोग नाराज न हो तो हम कह दें विष्णु भगवान से भी गलती होती है। हमको उनका इतिहास, उनका पुराण, उनकी कथा मालूम है हे भगवान। तो ये जो गलती होती है इसको स्वीकार करके इसको दूर करने की कोशिश करना एक दूसरा मार्ग है। हम कई बार आपको सुना चुके हैं कि रास्ते में चलते चलते कहीं पांव फिसल जाए और आदमी गिर जाए तो ये उसका अपराध नहीं है। लेकिन गिरने को ही यदि वो गड्ढे को पलंग समझने लग जाए और उसमें से निकलने की उठने की कोशिश न करे और आगे न बढ़े और वही सोना चाहे और आलसी गिर ले कुएं में कहे भले बाते, तो है ना, अलहदी गिर ले कुएं में तो कहले कि भले बाते। तो एक आलसी आदमी कुएं में गिर पड़ा और बोला कि मैं बहुत अच्छी तरह हूँ। तो रास्ते में चलते चलते पांव फिसलना या गिरना हमको तो अपने बहुत बचपन की याद है। यहाँ जैसा कोई सीमेंट थोड़ा ही होता है कि कोई पतली सड़क थोड़ी होती है, गांव का काम फिसलन पिछली चारों पांव फिसल गया गिर गया, रोटी में कीचड़ लग गई, बीच में कीचड़ लग गई और उधर आवाज क्या आ रही है कि शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, ऐसे बोले, ऐसे आवाज आ रही है। बहादुर है, राजा बेटा है, जो गिरता है उसका शरीर मजबूत हो जाता है। आओ तो दौड़ के वहाँ से और लो मारा। अब गिरने पर यदि कोई डांट देता तब तो रोने लगते, और गिरने पर जो किसी ने कहा शाबाश बेटा, राजा बेटा, हाँ तो फिर हंसते, अरे कुछ नहीं, हंसते हुए हाँ फिर दौड़ने लगे, फिर एक आध बार गिर पड़े तब भी कोई अरे नहीं। लेकिन गिरने के बाद पड़े नहीं रह जाना, उठना चाहिए, आगे चलना चाहिए, यही इसका स्वभाव है। तो यदि अपनी ताकत काम न देती हो तो अपनी बहादुरी। हमको एक बार याद है, हम कहीं जा रहे तो हम आगे आगे थे और ठाकुर साहब प्रसिद्ध नारायण सिंह पीछे पीछे थे, हमारे पिताजी के शिष्य थे, बड़े आदमी थे, वहाँ के सबसे बड़े आदमी थे। तो वो कहीं कोई दरवाजा छोटा था या कोई चीज थी, खट से सिर में हमारे लग गया, लग गया तो मैं ऐसे ही हाथ नहीं उठाया हो, लग गया, लग गया, आगे बढ़ा तो बोले बाबा जी, हमको बाबा जी बोलते थे, गुरु जी जैसे बोलते हैं बाबा जी, बाबा जी जरा हाथ वाथ फिरा लो, एक ही मत बघारो। तो
नाना साधन शालिनोपि पुरुषस्य उजस्विनः स्वात्मनो। चाहे कितना भी अपने पास साधन होए और कितना भी ओज वीर्य होए, लेकिन यदि कोई मलिनता लग गई हो अपने शरीर में, तो उसको धोने के लिए दूसरे की भी जरूरत पड़ती है। शरीर में ऐसी ऐसी जगह होती है, अब पीठ पर महाराज कुछ लगा हो तो मालूम ही न पड़े। ये हमारे सिर में स्त्रियां न जाने क्या क्या लगा जाती हैं, वो जल्दी छूटता नहीं है। जब शीशे के सामने जाते हैं, देख के छुड़ाते हैं, सब छूटता है। उसमें न जाने क्या इत्र लगा होता है, कभी कभी तो जाम जो है ना वो उभर आता है, सफेद हो जाता है कभी कभी, न जाने क्या मसाला होता है लगा देती है ना। तो अब उसको हमको तो पता ही नहीं चलता कि सिर में लगा है, तो कोई दूसरा बताता है कि देखो ये लगा। तो यदि कहीं मलिनता लग जाए, कलंक लग जाए, कोई गलती अपने जीवन में आ जाए, तो उसको दूसरे की मदद लेके भी उस दोष को दूर कर देना चाहिए। असल में दुख की जितनी चोट लगती है संसार में, वो सब की सब अभिमान पर लगती है और अभिमानी को लगती है। भास्व चंद्रमसो सहस्र करयोरप्यत्र नेत्रात्मनो आशीरंजन मार्जनम न भगवत हस्तावलंबम विना। बोले देखो कैसे चम चम चमकते हुए सूर्य और चंद्रमा के समान ये नेत्र हैं, सहस्र इसके किरण हैं, ये नेत्रात्मा है। अरे ये नेता है, वो आंख जो है ना नेत्र कहते हैं इनको, नेत्र माने नेता। जैसे नेता आगे आगे चलता है तो जनता उसके पीछे पीछे चलता, ऐसे ये नेत्र हैं नेता, ये आगे आगे रास्ता बताते हैं और सारा शरीर पीछे पीछे चलता है। ये नेत्रात्मा है, नेत्रात्मा है माने नेत्री आत्मा है और नेत्रात्मा है। नेत्री शब्द है नेता का, जो मूल है ना वो नेत्री है। तो बोले देखो इनका भी कलंक मार्जन तब हुआ जब भगवान का हस्तावलंबन मिला। जहाँ भगवान का हस्तावलंबन नहीं होगा, वहाँ सूर्य चंद्रमा का कलंक भी दूर नहीं हो सकता। सवाभिधानम सदरि प्रभंजकम भुवि विसद्भिर्जदहं प्रकीर्तितः मयि स्थिते द्वेषे रोष संभवः कथं जनन्याम इति तादृशे क्षणः। भगवान ऐसे भय भूपल एक क्षण गो हुए, बोले बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सवाभिधानम सदरि प्रभंजकम भुवि, धरती में ये प्रसिद्ध है, पृथ्वी में ये मशहूर है कि भगवान का नाम लो तो छहों जो दुश्मन हैं वो मिट जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद, भगवान के नाम से सब मिट जाते हैं। संत लोग ऐसा गान गाते हैं, ऐसा उपदेश करते हैं कि भगवान का नाम लो तो तुम्हारे छहों शत्रु मिट जाएंगे। जैसे सत्संग में जाओ, नाम लो तो काम क्रोध मिटते हैं। अभी भगवान कहते हैं कि देख मैया के सामने देखो, मैं स्वयं और छहों शत्रुओं को मेरा नाम मार देता है और मैं स्वयं मैया के सामने, और फिर भी मैया में क्रोध आ रहा है। ये तो मेरी बड़ी भारी बदनामी है, मेरी बड़ी भारी बदनामी है कि देखो इनका नाम क्या क्रोध मिटाएगा, इनके भजन से क्या क्या क्रोध मिटेगा, इनकी भक्ति से क्या क्रोध मिटेगा। जब इनके सामने ही रह के आदमी ऐसा क्रोध से अंधा हो रहा है कि अपने बेटे को ही तांडी उठा के मारना चाहता है, बांधना चाहता है, जब इनके सामने इतना क्रोध बाबा, तब इनके भजन से क्रोध क्रोध कुछ मिटने वाला नहीं है। भगवान ने कहा कि ये तो बड़ी भारी हमारी बदनामी हुई, बेइज्जती हुई। तो महाराज एक बार तो भगवान की दृष्टि भी भय विह्वल हो गई कि हे भगवान, ये मैया ने गुस्सा करके तो हमारे नाम की महिमा, स्मरण की महिमा, संबंध की महिमा, हमारे बेटा होने की महिमा, हमारे पास रहने की महिमा, सब पर मैया ने चौका लगा दिया, बिल्कुल पानी फेर दिया सब पर, हमारे पास रह करके ये दुर्गति। तो भगवान एक बार तो डर गए, बोले कि अच्छा अब मैया से काम लेते हैं, अब आगे का प्रसंग।